हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञानी यूट्यूब एंड प्रेस बेल आइकन टू वॉच ऑल टेक वीडियोस एट वन प्लेस। हेलो, हाय, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ज्ञानी। दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल परचेज करने का प्लान कर रहे हैं एंड ऐसे में आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्मार्टफोन परचेज करें, जी हाँ गाइस, क्योंकि आज के समय में डेली एक फ़ोन लॉन्च हो रहा है या कि उससे भी ज़्यादा फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, तो ऐसे में हमें एक बेस्ट फ़ोन परचेज करना एक कन्फ्यूज़न भरा काम हो सकता है। लेकिन गाइज, लेट मी मेक यू श्योर दैट इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, तब तक में आप श्योर हो जाएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। एंड गाइज, मल्टीपल पीपल हैव देयर डिफरेंट नीड, अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए रैम एंड रोम इंपॉर्टेंट हो। सो गाइज, आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप एक गेमिंग के लिए मोबाइल फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ोन का प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। हो सकता है अगर आप कैमरा के अकॉर्डिंग फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। क्या फीचर आपके लिए फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या फीचर ऐसा है जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो फ़ोन परचेज करने के पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए एक बजट की, किस बजट के अंडर में आप फ़ोन परचेज करने जा रहे हैं। सो वेदर गाइज, आप ऑफलाइन फ़ोन परचेज कर रहे हैं या ऑनलाइन फ़ोन परचेज कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से मार्केट रिसर्च करने के बाद ही फ़ोन को परचेज करना चाहिए। एंड गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप फ़ोन परचेज करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार के ऑफर का भी आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में कई बार ऐसी सेल चलती हैं तो आप ऑफर का वेट करके कम प्राइस में फ़ोन परचेज कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं और दूसरों के पैसे भी बचा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। एंड गाइज, अब बात यह आती है कि आपको 4G फोन परचेज करना चाहिए या 5G फोन परचेज करना चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आज की डेट में। हमें जब भी एक फोन परचेज करना होता है तो वी आर नॉट श्योर कि हम 4G फोन को परचेज करें या 5G फोन को परचेज करें, और इस तरह की कंडीशन में हमें काफी ज्यादा डाउट हो जाता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। बट लेट मी टेल यू गाइज, अभी 5G फोन को आने में 1 से 1.5 साल लग सकते हैं, 2022 या 2022 के एंड में हो सकता है 5G फोन आए। तो ऐसे में अगर आप दोस्तों 1 साल या 1.5 साल के लिए फोन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आप 4G फोन परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोन को यूज करते हैं 2-3 साल या 4 साल के लिए, तो आपको डेफिनेटली एक 5G फोन लेना चाहिए। इससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो भी है हमारी, 4G या 5G फोन में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं गाइज। दोस्तों, अगर हम बात करें फोन के प्रोसेसर की, तो आपको लेटेस्ट प्रोसेसर को ही परचेज करना चाहिए, ओल्ड प्रोसेसर वाले फोन को आपको नहीं परचेज करना चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करूं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डिस्प्ले की बात करें तो सुपर अमोलेड डिस्प्ले को आपको प्रिफर करना चाहिए कंपैरिजन देन IPS डिस्प्ले के। सुपर अमोलेड डिस्प्ले में आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, साथ ही आपके आईज के लिए काफी बेहतर होते हैं सुपर अमोलेड डिस्प्ले वाले फोन। एंड गाइज, आपको ट्राई करना चाहिए कि एक लाइट वेट फोन ही आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगर फोन आपका ज्यादा बल्की है या कि ज्यादा वेट है तो उसको कैरी करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आपको फोन को देखना चाहिए कि आप एक लाइट वेट फोन परचेज कर रहे हैं तो उसको यूज करने में भी आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। गाइज, बात करें रैम एंड रोम की, तो आपको कम से कम 6GB रैम वाले फोन को परचेज करना चाहिए, और करें रोम की तो मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 64GB स्टोरेज आपके फोन में होना ही चाहिए, लेकिन अगर मैं आइडल बात करूं तो 128GB का स्टोरेज आजकल रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर एक फाइल के साइज, पिक्चर्स एंड वीडियोस के साइज काफी ज्यादा, HD का जमाना आ गया, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रोम यानी कि स्टोरेज को प्रिफर करना चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करें तो गाइज, हमारे फोन की बैटरी कम से कम 4500 mAh की होनी ही चाहिए, एंड हमारे फोन की जो चार्जिंग स्पीड है तो हमें फास्ट चार्जिंग के फोन को ही प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि हम डे टू डे अपनी लाइफ में दिन भर के लिए फोन को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में बैटरी बैकअप का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, और इसकी फास्ट चार्जिंग भी बहुत मैटर करती है ताकि हम फोन को काफी रैपिडली चार्ज कर पाए एंड एंजॉय कर पाए। गाइस, दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो कम से कम 48 से 64 मेगापिक्सल का कैमरा मार्केट में आजकल आपको देखने को मिलते हैं, तो कम से कम 48 से 64 मेगापिक्सल का
कैमरा आपको चूज करना चाहिए। वैसे बात करें तो 108 MP के भी कैमराज आ गए हैं, बट 48 से 64 MP के कैमरा भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करें कैमरा एप्स की, कैमरा के फीचर्स भी काफी लेटेस्ट एंड यूनिक होने चाहिए। एंड बात करें फोन का UI यूजर इंटरफेस काफी बेहतर होना चाहिए, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखता है फोन परचेस करते समय। एंड गाइज लेट मी टेल यू कि योर सब्सक्रिप्शन इज रियली वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टेक्निकल ज्ञानी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन फॉर द वीडियो। एंड गाइज जैसा कि हमने कहा कि प्रोज एंड कॉन्स हर एक फोन में होते हैं, हर एक प्रोडक्ट में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एंड अगर आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं फोन परचेजिंग के लिए, तो आप डिसाइड करें कि कौन कौन से फीचर आपने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइज। एंड गाइज जब भी आप एक फोन को परचेज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका फोन 20K का ही होना चाहिए, 20,000 से ऊपर का होना चाहिए। आज के समय में आपको बजट सेगमेंट में भी काफी अच्छे फोन्स देखने को मिल जाते हैं। इट मींस कि 10,000 की रेंज में भी आपको काफी अच्छे फोन देखने को मिल जाते हैं, एज वेल एज 15,000 में भी आपको फोन्स देखने को मिल जाते हैं। तो अपने बजट को ध्यान देके आप अपने मनी को सेव कर सकते हैं। एंड गाइज फोन परचेज करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फोन का प्रोसेसर परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं गाइज। अगर आपने हार्डवेयर की तरफ सिर्फ ध्यान दिया और सॉफ्टवेयर फोन का पावरफुल नहीं है एंड आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है, कुछ दिन बाद आपका फोन स्लो हो जा रहा है, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी बैड हो जाएगा वहां पे, और आप बाद में पछताएंगे कि शायद हमने अच्छी तरह से रिसर्च कर ली होती तो इस तरह की कंडीशन ना हुई होती गाइस। एंड गाइज आपको एटलीस्ट फुल HD स्क्रीन के फोन को ही परचेज करना चाहिए, एंड आपको एक फास्ट रिफ्रेश रेट स्क्रीन वाले फोन को परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गेमिंग करते हैं तो फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। एंड गाइज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्यूअल सिम का यूज करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आप हाइब्रिड सिम स्लॉट वाला फोन लेते हैं तो उसमें आप HD कार्ड से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, एज वेल एज आप एक सिंगल सिम ही वहां पे यूज कर पाएंगे, तो ये बात काफी ध्यान देने वाली गाइज। एंड गाइज अगर बात करें स्टोरेज टाइप की, तो UFS 2.1 को ही आपको प्रेफर करना चाहिए, इससे बिलो का स्टोरेज को आपको नहीं प्रेफर करना चाहिए, काफी फास्ट स्टोरेज होता है UFS 2.1। एंड गाइज मोस्ट ऑफ द फोन्स में आजकल क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए क्वाड कैमरा के लेंसेज का कि वे ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल के होने चाहिए ताकि उनकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिल जाए। सो होप गाइज कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा एंड आपकी फोन बाइंग गाइड काफी इजी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, एंड आपका फेवरेट फोन कौन सा है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच टेक्निकल ज्ञानी, एंड टेक्निकल ज्ञानी को इसी तरह के अपडेट्स के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Yeah.